बांग्लादेश को आईएमएफ की ओर से 4.7 बिलियन डॉलर कर्ज की मंजूरी मिल गई है, लेकिन कर्ज क्यों? क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका या पाकिस्तान की तरह हो गई है? फिलहाल बांग्लादेश को विस्तारित फंड सुविधा यानी ईसीएफ के तहत 3.3 बिलियन डॉलर और नई लचीलापन और स्थिरता सुविधा आरएसएफ के तहत 1.4 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे। बांग्लादेश ने आईएमएफ से एक स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरकरण पैकेज मांगा था, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज मांगा। बेल आउट पैकेज कोई भी देश तब मांगता है जब वो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाए, जबकि स्टेबलाइजेशन पैकेज अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के लिए होता है। आईएमएफ ने भी इस पैकेज पर कहा, यह फंड व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए विघटनकारी समायोजन को रोकेगा। बांग्लादेश ने भले ही यह स्टेबलाइजेशन पैकेज लिया, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसके पास पाकिस्तान की तरह अपने आयात खर्च को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है। आमतौर पर अगर किसी देश के पास 3 महीने का आयात करने के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार हो तो वह एक स्वस्थ भंडार माना जाता है। इसी के साथ बांग्लादेश आईएमएफ की कई नई सुविधा का फायदा उठाने वाला पहला देश बन गया है। अब चलिए जरा बांग्लादेश को समझते हैं, फिर आपको पाकिस्तान और श्रीलंका की बदहाली की वजहों से भी रूबरू करवाएंगे। बांग्लादेश एक समय दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था। 2 साल पहले बांग्लादेश ने जीडीपी के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती और मजबूत होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना गया था। एक समय था कि बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बखान करता था, लेकिन अब उसके सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान देय का संकट खड़ा हो गया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था 3 इकाइयां होती हैं, घरेलू आय, औद्योगिक आय और सरकारी आय। इस समय बांग्लादेश में इन तीनों को ही कैश की जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने से बांग्लादेश में महंगाई आ गई। बांग्लादेश का श्रमिक वर्ग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन तेजी से बढ़ती महंगाई ने देश में नए गरीब पैदा कर दिए। ये वो लोग हैं जो अब तक अपनी आय से अपना परिवार चला पा रहे थे, लेकिन महंगाई की वजह से जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले साल हुए एक स्टडी के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी में कुल 3.9 करोड़ लोग नए गरीब हैं, जो कुल आबादी का 18.54% है। इस स्टडी से पता चला कि बांग्लादेश में ज्यादातर परिवारों ने खर्च कम करने के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद में कटौती की है। बांग्लादेश में खराब हो रहे आर्थिक हालात के बीच ये सवाल है कि क्या बांग्लादेश श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आएगा। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस समय भयानक आर्थिक संकट में है। पाकिस्तान इस समय भयानक स्थितियां झेल रहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में भी यही हालात हैं, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दक्षिण एशिया के कई देशों में इस समय आर्थिक संकट है। इन सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान भी इस समय बड़े संकट में है। इस देश पर दिवालिया होने का खतरा। मंगलवार को आईएमएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने देश का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने देश के लिए जरूरी नकदी प्रवाह पर चर्चा की यानी कैश पर। पाकिस्तान के अलावा अभी श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज का इंतजार है। जून 2022 से ही श्रीलंका 7 दशकों के सबसे भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों और ईंधन की कमी है। जिस तरह से राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को चौपट किया, उसी तरह से बांग्लादेश में हसीना परिवार सब खत्म करने में लगी हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं। साल 2009 में राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और उनके भाई जो रक्षा मंत्री गोटबाया राजपक्षे थे, जब सत्ता में आए तो दशकों पुराना गृह युद्ध खत्म हो गया। इसी तरह से बांग्लादेश के पीएम हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने भी एक युद्ध में पाकिस्तान के शासन से देश को आजादी दिलाई। हसीना और राजपक्षे ने युद्ध के समय कमाए गए अपने परिवार के शौर्य और राष्ट्रवाद के चलते शासन हासिल किया। श्रीलंका में राजपक्षे ने भाइयों से लेकर अपने भतीजे तक को सरकार में जिम्मेदारी दे दी। इसी तरह से पीएम शेख हसीना ने भी अपने परिवार के सदस्यों को सरकार में पद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद को लोग पीएम का उत्तराधिकारी मानते हैं। वो अपनी मां के साथ कई सरकारी कार्यक्रमों में देखी जाती हैं।
इसी तरीके से उनके बेटे हैं साजिद वाजेद, जिनके पास सलाहकार का पद है। वो इस समय देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह सरकारी और निजी तंत्र में परिवार के लोगों का आना देश की व्यवस्था के लिए बुरा संकेत होता है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार पर गुस्सा यूं ही नहीं निकला था और ना परिवारवाद ने देश की जनता को परेशान किया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि शेख हसीना परिवार के शासन के तहत भी इसी तरह के हालात। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में $1 अरब वाला बंदरगाह बनवाया जहां कभी कोई जहाज नहीं आया। $210 लाख का एक ऐसा एयरपोर्ट बना जिस पर शायद ही कभी कोई प्लेन लैंड हुआ हो। साथ ही 35,000 लोगों की क्षमता वाला एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम बना जो महिंदा राजपक्षे के नाम पर था, जहां एक भी मैच नहीं हुआ। बांग्लादेश में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। पीएम शेख हसीना के नाम पर $140 मिलियन वाले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का आदेश उस समय दिया गया जब देश में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे। आर्थिक संकट के दौरान पाकिस्तान की मुद्रास्फीति ने जनवरी में एक नया रिकॉर्ड बनाया और 1975 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मुख्य रूप से आपूर्ति की कमी के कारण खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और उपकरणों के हजारों कंटेनर नकदी की कमी के कारण बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में भी डॉलर की कमी के कारण सरकार ने आयात में कटौती की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।